नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे सिस्टम को, डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। और जो भी हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर काम कर रहे होते हैं, रैम जो आपको देखने को नहीं मिलती है कि अंदर कैसी रैम लगी है, कौन सी रैम लगी है, उसका टाइप क्या है, क्या साइज़ है, ये सभी आपको उसमें देखने मिलेगा दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको चलना है क्रोम पर। क्रोम पर जाके आपको लिखना है CPU Z करके जो सॉफ्टवेयर आता है, उसको जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये CPU Z सॉफ्टवेयर जो CPU ID से, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। अगर आप एंड्रॉयड पर जाना चाहते हैं तो एंड्रॉयड पर देख सकते हैं। यहाँ से आप का जो भी 3264 बिट का जो आपका सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके आप जो है यहाँ से उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जो है दोस्तों, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा CPU ID CPU Z। इसको हम यहाँ से रन कराते हैं। ये रन करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है दोस्तों यहाँ से बताएगा। ये डिटेक्शन कर रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको विंडो दिख रही होगी, इसमें ये CPU है और यहाँ पर नेम लिखा है इंटेल पेंटियम B940। सैंडी ब्रिज कोड नेम है, मैक्स TDP आप देख सकते हैं, कोर VID जो चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी 32 NM। आप यहां पर कोर की स्पीड मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पर रेगुलर कोर की स्पीड मेज़र हो रही है। मल्टीप्लायर देख सकते हैं, बस की स्पीड देख सकते हैं, ये मेगाहर्ट्ज़ में आ रही है। ये L1 डेटा, L1 इंस्ट और 2x32 KB, ये यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मिलेगी। ये प्रोसेसर डुअल कोर है, कोर्स दो हैं इसमें, थ्रेड्स दो हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आप मेन बोर्ड पर जाएंगे तो ये मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये इसका मॉडल है। इसके बाद आप बस के स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, चिप सेट जो इंटेल का लगा है उसका नाम देख सकते हैं, साउथ ब्रिज आप देख सकते हैं, ब्रांड देख सकते हैं आप। और दोस्तों, ये किस दिन, किस तारीख को ये जो रजिस्टर्ड हुआ था, ये भी आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, ये तारीख आपको दिख रही है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों मेमोरी में। मेमोरी में आप टाइप देख सकते हैं, ये रैम का टाइप है, DDR3 रैम जो है इसके अंदर, और साइज़ इसका 8 GB है डुअल चैनल पर। आप DRAM फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको सारी चीज़ जो क्लॉक्स में दिखाई जा रही हैं, ये सभी आप यहाँ देख पाएंगे। SPD आप देख सकते हैं दोस्तों। ये स्लॉट जो स्लॉट होते हैं हमारे सिस्टम में, आपको दो स्लॉट देखने मिलेंगे, स्लॉट 1 स्लॉट 2। ये उनका साइज है मॉड्यूल, 4 GB 4 GB। और ये मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल है। यहाँ पर मैक्स वेंट भी देख सकते हैं, वीक और ईयर का कैलकुलेशन है, रैंक देख सकते हैं आप, पार्ट नंबर देख सकते हैं, और सीरियल नंबर भी दोस्तों आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब हम स्लॉट चेंज कर दें। जैसे हम स्लॉट चेंज करेंगे तो DDR3L साइज इसका यही है, वीक और ईयर, रैंक इसकी सिंगल, पार्ट और सीरियल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ। या माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये जो अलग अलग रैम लगी हैं दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग ये हो जो है यहाँ पर चेंजेस आपको दिखेंगे। ग्राफिक्स देख सकते हैं आप दोस्तों, ये क्योंकि सिस्टम उतना नया नहीं है तो ग्राफिक्स कार्ड आजकल जो आयरिस और जो बहुत एडवांस लेवल के आते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है पूरी यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। ये बेंच आप देख पा रहे हैं, ये जो बेंच कैलकुलेशन जो दोस्तों होता है, ये भी यहाँ से हो सकता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए CPU मल्टी थ्रेड, ये बेंच मार्क स्कोर यहाँ पर आपको निकाल के दिखाएगा किस तरीके से ये कितनी कैलकुलेशन, कितने फास्ट, कितने स्लोली सिस्टम आपका रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट दे रहा है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, ये आप जो है दोस्तों यहाँ से देख पाएंगे। ये कैलकुलेशन चल रही है। आप इसी के साथ दोस्तों, ये देखिए कैलकुलेट होकर आ गया है मल्टी थ्रेड रेशियो 2, और यहाँ पर ये आप कंपेयर कर भी सकते हैं। अबाउट में आप देख सकते हैं दोस्तों, तो इस सॉफ्टवेयर में, ये जो एक फ्रीवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है CPU Z वैलिडेटर करके, और यहाँ पर विंडो का वर्जन विंडो 10 प्रोफेशनल 64-bit बिल्ड आप देख सकते हैं। और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप टेक्स्ट फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में जो है दोस्तों आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये है आपके सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप लगभग पूरी कुंडली जो है आपके सिस्टम की देख सकते हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे चलती हैं, क्या क्या अंदर होता है, ये सभी आपको यहाँ से इसकी डीप नॉलेज आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये समझ आया होगा जो आपको बताया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए नॉलेज के लिए भी, और आपके सिस्टम में जो चीज़ें लगाई गई हैं दोस्तों, अगर आपसे कोई कहता है कि हमने ऐसा ऐसा किया है, तो आप सारी की सारी चीज़ यहाँ आसानी से देख सकेंगे। दोस्तों को, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।